राजधानी है, वहाँ से विधायक रहे, अपने ससुराल से हम 3 बार सांसद रहे। यह मेरी पुरखों की भूमि है, गोड्डा मेरा घर है। बोकारो स्टील प्लांट में हमने 11 साल नौकरी की है, 82 से 93 तक। विश्व कप हमने उसी समय जीता था जब हम वहाँ नौकरी कर रहे थे। धनबाद में आना जाना लगा रहता था, इसलिए मेरी अलग नहीं है। मेरे पिताजी ने भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू की थी वह धनबाद से ही शुरू की, तो मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। यहाँ की समस्याएँ क्या हैं, कैसी हैं, उन सबों के बारे में मैं पूरी तरीके से अवगत हूँ। और जो विश्वास मेरे अंदर पार्टी ने दिखाया है, मैं आदरणीय राहुल जी का और अपने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है कि मैं वापस आकर अपने पुरखों की ज़मीन पर, अपने मातृभूमि पर सेवा करने लायक कुछ कर सकूं। कितना अस्वस्थ है आप जीत के प्रति, जनता क्यों? मैं पूरी तरीके से अस्वस्थ हूं, और जिस प्रकार से देश के अंदर जुमलों की सरकार चली है उससे लोग बहुत रुष्ट हैं। अनेकों समस्याएँ हैं, विशेषकर हमारे देश में इतने नौजवान हैं जो बेरोज़गार पड़े हैं। आप देखें तो झारखंड में मूल रूप से पूरी तरीके से रोज़गार का मामला तो है ही, उसके साथ ही पानी की बहुत समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कें हैं, ऐसी अनेकों चीज़ हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर आप धनबाद स्पेसिफिक पूछें तो उसके अंदर ये कहा जा सकता है कि वहाँ विस्थापितों को लेकर के समस्या है। वहाँ पर सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री इतनी ज़बरदस्त, दुनिया की सबसे बढ़िया थी, आज वो ख़त्म स्थिति में है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट को प्राइवेटाइज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने सेल को बेचने का सोचा उसमें बोकारो स्टील लिमिटेड भी जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि लोकली लिया जाएगा और उसमें उन विषयों के ऊपर लड़ा जाएगा।